क्या आपको ये सच्ची बातें यीशु मसीह के बारे में पता है? आज जब हम देखते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार अपने अद्भुत काम अपनी कलीसिया में कर रहे हैं और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु जो मसीह है, उनका नाम दुनिया में हर नगर, हर राज्य और दुनिया के हर कोने कोने में गूंज रहा है। जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं तो हमें इसमें अनोखी बातें देखने को मिलती हैं कि किस प्रकार यीशु मसीह का जन्म मत्ती रचि सुसमाचार अध्याय 2:1 में ऐसे लिखा हुआ है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। और फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार उनका बपतिस्मा होता है, मत्ती रचि सुसमाचार अध्याय 3:16 उसमें ऐसे लिखा हुआ है, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से बाहर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और फिर जब हम आगे अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि किस प्रकार यीशु मसीह की शैतान के द्वारा परीक्षा होती है और वह उसमें से सफल होते हैं। इसके बाद हम प्रभु यीशु मसीह के सेवा कार्य को देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह अंधों को आंखें देते हैं, लंगड़ों को चलने की शक्ति देते हैं और मुर्दों को जीवित करते हैं। फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 1:10 में ऐसे लिखा हुआ है, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए एक योजना तैयार कर रखी थी जिसे केवल यीशु ही पूरा कर सकते थे। यह योजना परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए तैयार कर रखी थी। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 3:16 उसमें ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उस वाचा को याद रखें कि जो परमेश्वर ने आपके साथ और मेरे साथ बांधी है कि अगर हम मसीह में बने रहेंगे, मसीह में चलते रहेंगे और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहेंगे तो परमेश्वर हमें आनंद जीवन देंगे। मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें ताकि परमेश्वर का वचन और भी लोगों तक पहुंच सके। और अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की।